के यूट्यूब चैनल पे। साथियों एक वैकेंसी निकल के आई थी रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से, और ये जो फॉर्म थे डियर ये निकले थे आपके जनवरी महीने में, है ना। रेल फैक्ट्री जो पहिया वाहन होती है ना, यहाँ से वैकेंसी निकाली गई थी। इसका मैंने वीडियो भी क्रिएट किया था, तो फाइनली इसका जो लिस्ट है मेरिट लिस्ट और कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुका है। हालांकि जो इसका जो फॉर्म था मैंने आप लोगों को बताया था ऑफलाइन भरा गया था, और लगभग लगभग 192 पदों पर ये भर्ती निकाली गई थी, ठीक है जी, 192 पदों पर। इसके जो फॉर्म थे वो फरवरी शायद इसकी 21 फरवरी लास्ट डेट थी, आप लोगों ने भरे भी होंगे कुछ छात्रों ने। अब कट ऑफ इसकी सबसे कम गई है, ठीक है। अब तक रेलवे डिपार्टमेंट जितनी वैकेंसी निकली गई है सबसे कम जो कट ऑफ गई है इतनी गई है। अब मैं आपको दिखा भी दूंगा 50% तक भी छात्रों का यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ आपको कट ऑफ, ठीक है जी, और अलग अलग ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ गई है। पहली बात तो ये, इन्होंने कट ऑफ किस हिसाब से ली थी मैं आपको बता रहा हूँ। कट ऑफ जो रेलवे डिपार्टमेंट लेता है वो आपके 10th है ना जी, प्लस आपकी ITI है ना, इन दोनों का एक एवरेज मार्क्स निकालता है ना। एवरेज यानी कि 50% उठाएगा वो 10th के, और 50% उठाएगा किसके, ITI के। इन दोनों क्या कर देगा, एवरेज कर देगा, इन दोनों क्या कर देगा, ऐड कर देगा, और उसके बाद भाग दो कर देगा, उसके बाद आपका एवरेज निकल जाता है, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूं यहाँ पर कट ऑफ की, तो कट ऑफ आप लोग देख सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी की, यहाँ पर देखो आप लोग ध्यान से 68 गई है, ठीक है। लेकिन ये लास्ट नहीं है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा 50 तक भी सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी के है 68 मैक्सिमम है, ध्यान रखना, ठीक है जी। उसके बाद छात्रों का यहाँ पर OBC वाले को बात करें, OBC में 63 भी गई है ना। उसके बाद यहाँ पर SC ST वालों को देखो, SC वालों का 61 पे भी सिलेक्शन हुआ है, और OBC वाले छात्रों की यहाँ पर 51.36 भी गई है, ठीक है जी, 51.36 भी OBC वाले छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। ये OBC की बता रहा हूँ, SC ST वाले फिर वो भी डाउन जा सकते हैं अगर इस हिसाब से लेना चाहिए तो ये थी यहाँ पर किसकी, फिटर वाले छात्रों की। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो कट ऑफ जो जाती है वो जाती है, एक तो जाती है वैकेंसी के हिसाब से, वैकेंसी का। दूसरा जो पॉइंट होता है वो आता है अप्लाई के लिए। अब इसके ऑफलाइन फॉर्म भरे गए थे, तो ऑफलाइन में बहुत से कम छात्रों ने इसका फॉर्म भरा था, या फिर भरा भी होगा तो मुश्किल से पहुंच भी पाया होगा वहां पर। हो सकता है आप लोग, आपने फॉर्म भी अप्लाई किया होगा, ठीक है, आपके जो एवरेज नंबर है वो 80% भी बैठ रहे होंगे, लेकिन हो सकता है आपका फॉर्म भी तो रिजेक्ट हो सकता है, आपका फॉर्म पहुंचा भी नहीं हो, है ना, तो ये भी तो रीजन हो सकता है। तो ऑफलाइन फॉर्म में ये फायदा हो जाता है, कट ऑफ डाउन जाता है, पहली बात तो ये। अब देखो यहां पर अगर मैं बताऊं, यहां पर 80%, देखो 80 पर भी यहां पर जो कट ऑफ गई है, 73 पर भी गई है ना, 69 पर भी गई है, और 50 पर भी यहां पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद मशीनिस्ट वाले छात्रों का देख लो 57 पर सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद यहां पर मैकेनिक मोटर MMV वाले के छात्रों का भी यहां पर 59 पर हो चुका है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन वालों का चेक कर लो अच्छा एक बार, इलेक्ट्रिशियन वालों का क्या कंडीशन है। इलेक्ट्रिशियन वालों के यहाँ पर 83 से लेकर 79 भी गई है, 68 भी गई है ना। OBC वाले छात्रों की बात करूँ मैं, यहाँ पर 65 पे भी सिलेक्शन हुआ है, 62 पे भी सिलेक्शन हुआ है, 54-55 पे भी सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है जी। और 52 नंबर जिसके बन रहे थे एवरेज में, यानी कि अगर मैं बात करूँ इसमें कम से कम जो कट ऑफ गई है पूरा एवरेज सभी उसकी, तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर 50 है ना जी, 50 जो है यहाँ पर कट ऑफ गई है। मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, क्योंकि देखो जिसने उसका फॉर्म भरा होगा, पहली बात तो यह उसको मेल आ चुका होगा इस चीज़ के रिगार्डिंग, है ना, मेल आ जाता है आपको, क्योंकि सभी सारे छात्र बोलते हैं सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, हमें पता कैसे लगता है, तो पहली बात तो यह आपको मेल आ गया होगा। तो कम से कम अगर मिनिमम कट ऑफ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 50% तक गई है, ठीक है जी, और हाइएस्ट की अगर मैं बात करूँ तो हाइएस्ट गई 80%, ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरी है, ऑल ट्रेड का मैंने एवरेज बता दिया आपको, इतना यहाँ पर कट ऑफ गया है, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन जो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसकी क्या कंडीशन है, हालांकि इस नोटिस में मैंने चेक किया, लेकिन इस नोटिस में कहीं पर भी जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसका इन्होंने कुछ डेट वगैरह नहीं दे रखा, तो इसका मतलब 100% जो है आपका यहाँ पर मेल के द्वारा आपको आ चुका होगा, फिर मैसेज के द्वारा रेलवे डिपार्टमेंट ने आपको नोटिफिकेशन दे दिया होगा जिन छात्रों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, या फिर आप अपना नाम वगैरह इसमें चेक कर सकते हो। लिस्ट जो है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है, आप अपना इसमें जो है देख लेना, आपका नाम जिस छात्रों ने भरा होगा इसमें लिस्ट में उनका नाम दिए गए छात्रों के, ठीक है जी, और अपनी कास्ट देख लेना और उस हिसाब से आप इसमें अंदाजा लगा लेना। और आपका जो है यहाँ पर मेल वगैरह मैसेज वगैरह के जरिए रेलवे डिपार्टमेंट ने आपको बता भी दिया होगा कि आपका भाई सिलेक्शन हो चुका है। बाकी और रेलवे डिपार्टमेंट की वैकेंसी करें मैं बात करूँ, हालांकि हर डिपार्टमेंट कितनी कट ऑफ नहीं जाती, जितनी कम इन्होंने दी है, क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म था, वैकेंसी काउंट 192 था इसमें,
ठीक है, जनवरी में फॉर्म निकले थे और अब जाकर इसकी फाइनल कट ऑफ जारी हुई है ना, 3 महीने हो गए लगभग, है ना, 3-4 महीने। तो इस रीजन से यहाँ पर इतना लेट डिपार्टमेंट करता है। आप लोग अंदाजा लगा लो कि जो आपने फॉर्म भरे होंगे पिछले महीने, जो वैकेंसी निकली थी उसकी लिस्ट कब आएगी ना, क्योंकि काफी सारे छात्र कमेंट करते हैं। तो जैसे ही लिस्ट आएगी और भी डिपार्टमेंट, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट के और जोन से आपने वैकेंसी फॉर्म भरा होगा तो उसका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये अपडेट था, आई होप आप लोग क्लियर हो चुके होंगे रेलवे डिपार्टमेंट से। और ध्यान रखना ये बहुत कम भाई, अगर मैं बात करूं, अगर आपकी बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं कि मेरे इतने परसेंटेज बन रहे हैं, मैं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, तो ध्यान रखना अगर आपके 80% से ऊपर बन रहे हैं आईटीआई में, है ना, और टेंथ में आपके मान लो 70 से ऊपर% से बन रहे हैं, किसमें, ये टेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इनका एवरेज निकाला जाता है आपका टेंथ प्लस आईटीआई का, है ना, तो आपके इसमें चांसेस बन जाते हैं आपके सिलेक्शन होने के। अगर इससे कम बन रहा है तो फिर तो भाई तुक्का ही है ना। अब देखो यहाँ पर 50 पे भी सिलेक्शन हो चुका है। मेरा तो मानना यह है आप एक काम किया करो, जितने भी भर्ती आ रही है ना तो उसमें ना अप्लाई कर दिया करो, क्योंकि रेलवे जो है एक ही कंडीशन मांगता है कि भाई साहब 10वीं में है ना, 10th में आप मुझे कम से कम जो क्वालिफिकेशन चाह रही है वो 50% की चाह रही है, कम से कम छात्र के 50% अंक यहाँ पर होने अनिवार्य है, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो भाई साहब जाहिर सी बात है आप इसमें अप्लाई कर दोगे। तो जैसे ही और वैकेंसी आएगी और जोन से रेलवे की, आप लोगों को चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है जी। फिलहाल अभी कोई वैकेंसी नहीं निकली है रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से, जैसे ही आएंगे आप लोगों को बता देंगे। तो चलिए आज की वीडियो को फिर मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, और किसी का कोई भी डाउट बने तो मुझे लास्ट में कमेंट कर सकते हो। ये जो नोटिस है इसको देखने के लिए मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम डाउनलोड करो, वहाँ पर सर्च करो आई टी एग्जाम यूट्यूब चैनल, सब डिटेल आपको वहीं पर दी गई है। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर ध्यान करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए दोस्तों।